बिग हेलो, नमस्ते, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिंपली पायल पे। सो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा आज की वीडियो के बारे में। सो टुडेज वीडियो इज रिलेटेड टू माय लास्ट ट्रिप टू मध्य प्रदेश। जी हाँ, मैं गई थी मध्य प्रदेश पूरे 11 दिन के लिए। आप सभी को तो पता ही होगा मध्य प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है। 11 दिन भी काफी नहीं थे मध्य प्रदेश कवर करने के लिए। तो मैं सिर्फ 5 जगह कवर कर पाई, जिनमें से पहला इज भोपाल, सेकेंड वॉज पंचमढ़ी, देन आई वेंट टू झांसी, नेक्स्ट वॉज खाजुराहो एंड लास्ट नन अदर देन उज्जैन। तो माय फर्स्ट वीडियो इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टू प्लेसेस, भोपाल एंड पंचमढ़ी। तो और बिना बक बक किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बैग्स हो गए हैं पैक और मैं भी हो गई हूँ एयरपोर्ट रेडी। अब कैब में सामान रख के 2 घंटे की रोड ट्रिप करके मैं पहुँच जाती हूँ एयरपोर्ट, जो कि स्टारबक्स के है। अरे नहीं, स्टारबक्स ने तो बस अपना एड दे रखा है। तो मेरा लेआउट था मुंबई में, जहाँ का एयरपोर्ट था बेहद ही खूबसूरत और जहाँ मैंने 2 रुपए में ब्रेकफास्ट ठूसा, वो भी पेट भर के। Nice. लगता है इस गाय ने भी अभी भी मेरी तरह खाना खाया, इसीलिए तो इसकी भी जीभ निकली हुई है। और उड़ रही हमारी फ्लाइट हमारे लिए तैयार होते हुए, जिसपे सवार होके हम पहुंच जाते हैं झीलों की नगरी भोपाल। और एयरपोर्ट से उबर की सुविधा लेके मैं पहुंच जाती हूँ अपने रूम। आइए दिखाते हैं हमारे घर। ओह ये देखिए कौन आया इधर, ये देखिए हमारे घर पे कौन आया। तो ये हमारा घर, हमने एयरबीएनबी बुक किया है और ये रहा हमारा छोटा सा किचन। भले ही हम कुछ बनाने वाले तो है नहीं, पर किचन है, यहाँ पे स्टोव है, फ्रिज है, कटलरीज भी है। आ जाइए देख लीजिए। अरे वाह, सांप भी है, ये देखिए, ये देखिए सांप खाइएगा। चलिए और देखते हैं बाथरूम कैसा है। आइए ये देखिए, काफी अच्छा बाथरूम है ये तो एयरबीएनबी के। तो तुरंत तैयार होके मैं चल पड़ी हूँ पूरे एनर्जी के साथ मनभन टेकरी, विच इज अ नाइस प्लेस सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, जहाँ मैं जा रही हूँ केबल कार से। आप वायर रोड अपनी व्हीकल या पैदल भी जा सकते हैं। और ऊपर से दिखेगा आपको पूरा भोपाल और इसी माउंटेन टॉप पे है एक जैन मंदिर। हम यहाँ जैन मंदिर आए थे, मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छी है, लाइक पूरा भोपाल दिखता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, वहां से हमने कोल्ड कॉफी पिया था, वो भी बहुत अच्छी है। सो थम्स अप। और अब मैं चल पड़ी हूँ उस व्यक्ति की स्टैचू देखने जिसके नाम से आया है भोपाल का नाम। तो ये है राजा भोज, जो परमार डायनेस्टी के राजा थे और कहा जाता है कि इन्होंने ही बड़ा तालाब बनवाया था। तो अब मैं जाऊंगी बोटिंग क्लब। वैसे वहाँ एक म्यूजियम भी है जो मैं नहीं जा पाई, पर अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर जाना। सेफ्टी जैकेट पहन के मैंने ले लिया था बोट, सबसे सस्ता वाला। वैसे यहाँ काफी ऑप्शंस थे, पर यार सनसेट तो सभी से सेम ही दिखने वाली थी। तो सनसेट के साथ खत्म होता है आज का दिन, आपसे मिलते हैं कल सुबह। आज है मेरा दूसरा दिन इन भोपाल और आज मैं जा रही हूँ भोपाल से 50-60 किलोमीटर दूर के सारे मॉन्यूमेंट्स देखने, जो कि है सांची स्तूपा, उदयगिरी केव्स, भोजपुर टेंपल, भीमबेटकर रॉक्स इत्यादि। ये सभी मॉन्यूमेंट्स एक दूसरे से काफी दूर है, तो देखते हैं दिन के आखिर में कितना कवर हो पाता है। तो रास्ते में दिखता है मुझे ये खूबसूरत सा जैन टेंपल, जिसके दर्शन करके मैं चल पड़ी हूँ अब सांची स्तूपा की ओर।
कुछ दूर जाते ही मुझे दिखता है ये कर्क रेखा या फिर लाइन ऑफ कैंसर की बोर्ड। वैसे यहाँ पे सचमुच की कोई लाइन नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है। तो इन सुंदर रास्तों से होते हुए मैं चल पड़ती हूँ सांची का स्तूपा देखने, और वो देखो रास्ते से ही दिख रहा है हमारा स्तूपा। बुकिंग ऑफिस से टिकट लेके अब हिल की चढ़ाई करके मैं पहुंच जाती हूँ पार्किंग तक। तो अंदर बैग ले जाना होती है इसलिए हमने देखो वहाँ पे बैग रखते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। पूरे भारत में कई स्तूपा है पर सांची का बुद्ध स्तूपा सबसे खूबसूरत और संरक्षित स्तूपा में से एक है। यह स्तूपा भारत की सबसे पुरानी स्टोन स्ट्रक्चर्स में काउंट होता है। यह एक एक्सेलेंट एग्जांपल है एंशिएंट आर्किटेक्चर का, और इसे सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में खुद अपनी देखरेख में बनवाया था। भगवान बुद्ध की अस्थियों पर बने स्तूप के चारों कोनों में जातक कथाओं को दर्शाते हुए तोरण द्वार बने हुए हैं। जी हाँ, ये वही मॉन्यूमेंट है जो हमारे 2 रुपए के नोट के पीछे की ओर छपा हुआ है। सदन गेटवे के पास से दिखेगा आपको ये टूटा हुआ अशोकन पिलर, जिसका दूसरा हिस्सा सामने ही संरक्षित करके रखा हुआ है। रांची में इस स्तूप के अलावा और कई छोटे स्तूप, टेंपल्स और मॉनेस्ट्रीज भी हैं। स्तूपा कॉम्प्लेक्स अच्छी तरीके से देखने में मुझे लग गए 2.5 घंटे। अब इस यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को अलविदा बोल के मैं चल पड़ी हूँ उदयगिरी केव्स की ओर। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ केव्स की एंट्री टिकट, और अंदर आते ही दिखते हैं ये बड़े बड़े से चट्टान। इन्हीं चट्टानों के अंदर बने हैं 20 गुफाएं, जिनके अंदर है हिंदू धर्म के भगवान विष्णु, शिव और शक्ति की मूर्तियाँ। इनमें से कुछ मंदिर जैन धर्म को भी डेडिकेटेड है। गुफाओं के ऊपर पहाड़ी पे चढ़ाई करने के बाद आपको वहां से दिखेगा पूरे वैली का खूबसूरत नज़ारा। तो काफी देर नज़ारों का आनंद लेके अब मैं जाऊंगी भोपाल सिटी, क्योंकि शाम होने को आई है। तो घर जाने के रास्ते में दिखा मुझे ये काली मंदिर, और इसके ठीक पास ही था छोटा तालाब, जहाँ मैं अब थोड़ी देर बैठूंगी, और यही खत्म होता है मेरा आज का दिन। So as you people saw, I had rented a bike for a day, जिसमें हम सिर्फ कवर कर पाए सांची स्तूपा और उदयगिरी केव्स। हो सकता है कि अगर आप कैब बुक करो तो वो आपको सांची स्तूपा, उदयगिरी केव्स और अम्बेडकर केव्स साथ ही में घुमा दे, पर फिर भी आपका बच जाएगा भोजपुर टेम्पल और ताज उल मस्जिद। तो मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन का ही ट्रिप प्लान था, पर अगर आप भोपाल आओ तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3 दिन सेफ्टी के लिए लेके चलो। अब कल मेरी ट्रेन है सुबह सुबह टूवर्ड्स MP's वन एंड ओनली हिल स्टेशन, दैट इज पंचमढ़ी। तो आज है मेरा MP भ्रमण का तीसरा दिन, और आज मैं सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ रानी कमलावती स्टेशन की ओर, जहाँ से मैं 22187 इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ के जाने वाली हूँ पिपारिया। तो पिपारिया पहुंच के 3 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ एग्जिट लेके वहां से कैब बुक करके मैं जा रही हूँ MP की एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी। यहाँ होटल्स आपको मिलेंगे थोड़े महंगे, तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही ऑनलाइन बुक करके आओ। पहुँचते ही फ्रेश होके जल्दी से मैं निकल जाती हूँ चौक की ओर, जहाँ से शेयर्ड जिप्सी लेके मैं जा रही हूँ चौरागढ़ मंदिर। बाकी सब भक्तजनों के साथ जय भोलेनाथ बोलते हुए शहर से 12 किलोमीटर दूर जंगल के बीच मैं पहुँच गई हूँ महादेव द्वार, जहाँ से सबसे पहले मैं जाती हूँ बड़ा महादेव की ओर, जो कि एक बड़े से गुफा के अंदर स्थित है। और अब मैं जाऊंगी चौरागढ़ मंदिर, जो कि यहाँ से 1 way 3.5 किलोमीटर दूर है, और ये एक अपहिल ट्रैक है जो कि 3 माउंटेन्स को क्रॉस करके जाना पड़ता है। शुरू का 1/2 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा सा खराब है, पर उसके बाद प्रॉपर स्टेयर्स बने हुए हैं। जैसे ही आप ऊपर पहुँचोगे वहाँ से आपको दिखेंगे ये खूबसूरत नज़ारे, जो कि जन्नत से कम नहीं है। और वो रहा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और अब 3 घंटे की ट्रैक करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई हूं चौरागढ़ मंदिर। और मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में आपको दिखेंगे ऐसे हजारों त्रिशूल। तो ये त्रिशूल है मन्नत के त्रिशूल। जिस किसी भी भक्त की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है वो अगले बार त्रिशूल लाके यहाँ चढ़ाते हैं। और ये रहा चौरागढ़ का भव्य मंदिर। तो
यह मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर चौरा बाबा नाम के साधु तपस्या किया करते थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको दर्शन दिया था और दर्शन देने के बाद शिव जी अपना त्रिशूल यहीं भूल गए। सो तब से लेके आज तक ये प्रथा है कि यहाँ पे त्रिशूल चढ़ाया जाता है। अब वक्त हुआ आया है वापस जाने का और नीचे जाते वक्त मैंने खाई बेसन की रोटी और बैर खाते हुए मैं पहुंच जाती हूँ गुप्त महादेव, जिनके दर्शन करके खत्म होता है मेरा आज का दिन। सो आज है मेरा सेकेंड डे इन पंचमढ़ी और आज मैं घूमने वाली हूँ पंचमढ़ी इन अ जिप्सी, क्योंकि ये जिप्सीज गवर्नमेंट द्वारा संचालित होते हैं तो आपको इन्हें बुक करने के लिए आना पड़ेगा बाइसन लॉज। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि कुल 6 रूट्स है जिसमें से आप एक चूज कर सकते हो, जिसका आपको पड़ेगा पर डे का 2500 रूपए। 1500 रूपए इज पर डे जिप्सी रेट और 1100 रूपए इज फॉर द फॉरेस्ट एंट्री, जिसमे आपको मिलेंगे फ्री गाइड विच इज मैंडेटरी। तो जब तक मेरे जिप्सी ड्राइवर कर रहे हैं बुकिंग्स, मैं घूम लेती हूँ पूरा बाइसन लॉज आराम से। सो गाइज, दिस इज माई राइड फॉर द डे और ये रहे हमारे ड्राइवर भैया और गाइड भैया कुछ इंस्ट्रक्शंस और एक्सप्लेनेशंस देते हुए। सो मैंने अपनी राइड की थी शेयर अलॉन्ग विद अ कपल सो दैट पर हेड चार्जेस थोड़े से कम हो जाए। तो अपनी जिप्सी पे सवार होके मैं चल पड़ी हूँ अपनी पहले डेस्टिनेशन की ओर, सतपुरा के घने जंगलों के बीच से होते हुए टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज बी फॉल्स। पंचमढ़ी इज फेमस फॉर इट्स न्यूमरस वाटरफॉल्स, टेम्पल्स एंड सीनिक ब्यूटी, विच इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज सतपुरा की रानी। मैं गई थी पंचमढ़ी बारिश के मौसम में, बट द बेस्ट टाइम टू विजिट पंचमढ़ी इज ड्यूरिंग द विंटर्स। तो बी फॉल्स तक पहुँचने के लिए आपको करना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक और फिर दिखेगा आपको ये मस्त खूबसूरत सा वाटरफॉल्स। जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरती है तो बीज जैसे भनभनाने की आवाज आती है, तो जिसके वजह से इसका नाम पड़ा है बी फॉल्स। तो यहाँ थोड़ी देर समय व्यतीत करके वापस से ऊपर जाके इस छोटे से वाटरफॉल्स में थोड़ी देर फिश पेडिक्योर करवा के मैं जाऊंगी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो दोबारा से जिप्सी में बैठ के इन घने जंगलों के बीच से होते हुए मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज द बिगेस्ट नेचुरल केव इन पंचमढ़ी, जिसका नाम है रीचगढ़। रास्ते में जाते वक्त हमारे गाइड हमें बता रहे थे कि पंचमढ़ी एक वक्त पे पूरे वाटर में सबमर्ज था एंड दैट इज वाई ऑल द रॉक्स एंड माउंटेन्स फाउंड राइट नाउ फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रोसेस सेडिमेंटेशन एंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और ऐसी और कई इंफॉर्मेशन गेन करते हुए हम पहुंच जाते हैं रीचगढ़। रीच मतलब होता है बेयर्स या भालू और गढ़ मतलब होता है जहां वो रहते हैं। तो ये है द अबोर्ड ऑफ बेयर्स या भालुओं का घर। ये जगह बहुत ही खूबसूरत था, देख के लग रहा था कि शायद किसी वक्त इन चट्टानों के बीच से पानी फ्लो करके और इन्हें काटते हुए गया है। So it is definitely a must come place. पूरा enjoy करके थोड़ा मस्ती मजाक करके मैं निकल जाती हूँ रीचगढ़ से। उसके बाद हमारे गाइड सतपुरा के जंगल, उसके पेड़ पौधों के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और जिसके बाद अब मैं जाऊंगी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो अब मैं जहां जा रही हूं, इट इज़ अ वेरी लेस नोन एंड वेरी अंडररेटेड प्लेस इन पंचमढ़ी विच मेक्स इट अ डेफिनेट मस्ट विजिट। तो मैं अब आ गई हूँ रम्या कुंड विच इज ऑल्सो नोन एज आइरीन्स पुल बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई आइरीन बोस, वाइफ ऑफ जस्टिस विवियन बोस। तो पार्किंग से 1.5 किलोमीटर की ट्रैक करके आप पहुँच जाते हैं जंगल की बीच सिचुएटेड इस खूबसूरत से जगह पे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था, दिस इज सो अंडररेटेड कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम 4 लोग थे। तो हियर यू विल सी द स्मॉल वाटरफॉल्स और ये ठंडे पानी का पुल, जहाँ आप थोड़ी देर बैठ के फ्री का फिश पेडिक्योर करवा सकते हो या नहा भी सकते हो। तो आई सैट देयर फॉर सम टाइम विद माय लेग्स डिप्ड इन द कोल्ड पूल वाटर, अब्सॉर्बिंग द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस।
और अब मैं आप पहुंची हूँ आज का लास्ट डेस्टिनेशन दैट इज पांडव केव्स। इसके रास्ते पे था ये खूबसूरत सा गार्डन और ये रहा पंचमढ़ी का फेमस पांडव केव्स। कहते हैं कि पंचमढ़ी का नाम इन्हीं पांच गुहाओं से आया है। अकॉर्डिंग टू फोक लोर अपने वनवास के वक्त पांच पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इन्हीं गुहाओं में रहा करते थे, पर साइंटिस्ट की बात मानी जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये गुहाएं बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा बनाई गई थी मेडिटेशन करने के लिए। और ऊपर से खूबसूरत नजारा एंजॉय करके खत्म होता है मेरा आज का दिन। तो आज है मेरा लास्ट डे इन पंचमढ़ी। वैसे तो सारे स्पॉट्स कवर कर लिए एक्सेप्ट टू, दैट इज धूपगर और जटाशंकर। धूपगर मैं इस बार नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो बंद है, तो मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ जटाशंकर की ओर। पंचमढ़ी मार्केट से जटाशंकर इज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, तो मैं पैदल ही निकल पड़ी हूँ। सुबह सुबह मौसम बहुत ही अच्छा है। जटाशंकर जाने के रास्ते में मुझे देखे ऐसे कई छोटे बड़े शिव जी की मूर्तियाँ और आयुर्वेदिक मेडिसिन और ऑयल्स की दुकानें। उसी रास्ते की दाहिनी ओर आपको मिलेगा यह हनुमान मंदिर, जहां आप जरूर दर्शन करें क्योंकि उसी मंदिर के अंदर रखा हुआ है रामेश्वरम का फ्लोटिंग स्टोन। और फिर कई छोटे मंदिरों में पूजा देते हुए मैं पहुंच जाती हूं फाइनली जटाशंकर केव। कहते हैं कि यहाँ 108 शिवलिंग है जो कि शिव जी के जटाओं जैसे बढ़ते रहते हैं और फैलते रहते हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ा है जटाशंकर। तो जटाशंकर के दर्शन करके पंचमढ़ी को अलविदा बोलते हुए होटल से ऑटो लेके फिर बस स्टैंड से बस लेके मैं वापस से जा रही हूँ पिपारिया स्टेशन, जहाँ से मैं जाऊँगी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शो सम लव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे अपडेटेड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। टाटोस।